बिहार टुडे न्यूज। हम हैं बिहारियों की आवाज, क्योंकि हम हैं आज का बिहार। अम्बेडकर आवासीय विद्यालय मटिहानी के छात्रों के द्वारा स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। ज्ञात हो कि अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय मटिहानी का स्कूल भवन जर्जर होने के कारण स्कूली बच्चे को धुर्वे स्थित महाविद्यालय में स्थानांतरित किया गया था, जहां पर बच्चों ने आरोप लगाया है कि समय पर बिजली नहीं होने के कारण पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाता है। साथ साथ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, समुचित व्यवस्था नहीं है जल की। बच्चों का कहना था कि जब शिकायत करते हैं स्कूल प्रशासन से तो उल्टी स्कूल प्रशासन के द्वारा डांट दिया जाता है, हम लोग जाएं तो जाएं कहां। इसी क्रम में स्कूली बच्चों की समस्या जानने पर लोजपा रामविलास पार्टी के सदस्यता प्रभारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय रविदास ने स्कूल में जाकर हालचाल जाना। संजय रविदास का कहना था कि चिराग पासवान के आदेश को मानते हुए महादलित हॉस्टल में मैं यहां पर आया हूं, जहां बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या, जल की समस्या और साथ साथ नंगे तारों के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है। मैं चिराग पासवान का सच्चा सिपाही हूँ, यहाँ पर दलित छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है, स्कूल प्रशासन जल्द से जल्द इससे दुरुस्त करे, नहीं तो आगे भी हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे इसे दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा। नमस्कार, मैं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। अभी हम गया के ये महादलित हॉस्टल है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर मिला था कि यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर स्थानीय जो नेता है लोजपा रामविलास के संजय रविदास जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी सदस्य भी हैं और ये महादलित भी हैं, साथ साथ लगा कि एक ऐसी जब घटना हो रही है बिहार में और बिहार के गया में जो हमारा गृह जिला है, तो क्यों ना बच्चों से मिलने चले जाएं, किस तरह की सुविधा असुविधा हो रहा है इन बच्चों के साथ में, कई समस्या है। महादलित ये हॉस्टल है जहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसी पर मिलने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं संजय रविदास जी। उससे पहले कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है, मामला किस तरह का है जो आपके हॉस्टल में ऐसा नजर आ रहा है। हमारे विद्यालय में सर लाइन की समस्या, पानी की समस्या, यही बात को लेकर हम लोग जब कार्यालय में जाते हैं, हमारे प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं, तो वो धमकी देते हैं कि कार्ड फाड़ देंगे, एडमिट कार्ड फाड़ देंगे। किस लिए ये सर धमकी दिया जाता है कि तुम लोग समस्या क्यों बोलता है हमको पास, हम कुछ नहीं सुनेंगे, तुम लोग के जहाँ जाना वहाँ जाओ। इसी कारण हम लोग गए DW के पास, तो DW जो बोलते हैं DW कि तुम लोग के कुछ नहीं करेंगे हम, नौमा दसमा को विद्यालय से निकाल देंगे। अच्छा, ये धमकी दिया, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, खाना पीना टाइम पर मिल रहा है? खाना पीना हम लोग के टाइम पर मिल रहा है सर, सब अच्छा से मिल रहा है। यही समस्या की हम लोग के जो यहाँ व्यवस्था, जैसे कि पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइन का व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जल का व्यवस्था नहीं है, यही मतलब कि 4 महीना से हम लोग बोल रहे हैं यही बात को, तो सर हम लोग के हमेशा मतलब कि धमकी देते रहते हैं। देखिए, बच्चों की समस्या है जल और बिजली का, वैसे सरकार तो कहती है जल नल योजना घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बिहार के गया में खुद महादलित हॉस्टल का यह हाल है, कहीं ना कहीं इस स्कूल के प्रशासनिक स्तर में कहीं ना कहीं कमी है, जिसके वजह से इस तरह का समस्या आ रहा है। जब हम कोई समस्या लेके जाते हैं हेड सर बजून, हम कहता है कि एडमिट कार्ड फाड़ देंगे। यही लेके हेड सर कौन है आपके, उनका नाम क्या है? सुजीत सर। पूरा नाम बताइए। सुजीत कुमार जी। हम लोग महादलित समाज से आते हैं, जिसके कारण हम लोग को बहुत सताया जा रहा है। अरे सतारे जो आपके हेड मास्टर है वो भी तो महादलित वर्ष से आते होंगे। है, लेकिन मतलब कि हर पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या समस्या क्या आप लोग का? हम लोग का बहुत समस्या है, विद्यालय में कोई समस्या का समाधान नहीं होता, जिसके कारण हम लोग बहुत समस्या, हेड सर पास ले गए और हेड सर हम लोग का एडमिट कार्ड फाड़ने का धमकी देते हैं और बोलते हैं जे करना है जो कुछ करो। अब इससे आगे गए DW के पास, तो भी बोलते हैं कि 9th-10th का मल्टीप्लाई स्कूल से निकाल लोगे। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज संदीप कुमार। महादलित हॉस्टल है, इसमें तुम पढ़ाई करते हो, क्या समस्या है बाबू? यहाँ पानी बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है सर, और जब नहाने लगते हैं तो पानी का समस्या हो जाता है सर, सब बहुत बच्चा सब साबुन लगा के रहता है सर। तो सर से नहीं बोलते हो कि सर पानी बोलते नहीं आता? हैं तो बोलते हैं कि 24 घंटा चलता है, रात में बिजली की समस्या, पढ़ाई नहीं होता है। और खाना पीना ठीक से मिलता है बाबू? खाना पीना मिलता है, और पढ़ाई मतलब सर से नहीं बोलते हो कि बिजली नहीं है तो क्या बोलते हैं? वो लोग कहते हैं कि नहीं देंगे बिजली, कहता है तो पानी नहीं रहता, हाथ नहीं धोता है सर, यहाँ नहाने के लिए सुविधा नहीं है।
यहाँ जल है ही नहीं क्षेत्र में जी। और ये विद्यालय 2008 में बना, ये बालिका विद्यालय है, नगर में भी चल रहा है किराए के मकान में, उसको शिफ्ट करना, लेकिन जल के प्रॉब्लम के ही कारण यहाँ अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। और यह विद्यालय जो है मटिहानी का, तो वहाँ क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो गई थी तो तोड़ के बनाने की बात हुई, तो बच्चों को शिफ्ट करने की बारी आई, तो हुआ कि चलिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर लाया जाए। तो एक बोरिंग कराया गया है पहाड़ी के उधर नदी में, और उसी से पानी आता है। दो गो बोरिंग यहाँ है, एगो मोटर अभी खराब है, एगो जो है सो कभी जल स्तर मैंने और नीचे जाएगा तो महीना दो महीना के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं समस्या है इस चीज़ का, जल का बहुत बड़ा संकट है। अच्छा, डार भी जर्जर है। अच्छा, जिसके लिए बच्चे लोग बहुत दिन से जैसे प्रधान अध्यापक से कह रहे थे, हम भी उनको बहुत समझाए कि शनिवार के दिन वहाँ पर बच्चे नहा रहे थे, नंगा तार है, जिसके कारण जो है सो लाइन मार दिया। समस्या यह भी है कि यहाँ पर इतना बड़ा महाविद्यालय, यहाँ बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जी जी जी, सीसीटीवी कैमरा का रहते हुए भी मतलब कैमरा चलता नहीं है। जितना पर्याप्त चाहिए ना सर, उतना पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा, जैसे फ्रंट पर है एगो, उधर पीछे है, जितना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हमारा नाम प्रमोद प्रसाद है और हम जो है सो यहाँ सहायक शिक्षक के पद पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं चिराग पासवान जी, उनका जमुई में चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन था जी, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी गए थे, हम भी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से आने में हम लोग को लेट हुआ, भैया पटना चले गए, हम लोग भी आ रहे थे तो करीब 11 बजे रास्ता में ही थे, तो हमको चिराग भैया फ़ोन किए कि संजय जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कैसे पता चला, कि हमको पता नहीं, किसी तरह से उनको सूचना मिला होगा चिराग साहब को, तो उन्होंने हमको फ़ोन किए कि संजय जी से थोड़ा सुझा करके, संजय रविदास जी से जा करके देख लीजिए ना, गया में एक दुर्वे एक जगह है, वहाँ हरजन हॉस्टल है, उसमें लड़कन कल से लोग का तो खाना नहीं खाए थे, और क्या प्रॉब्लम है मैं इनसे पूछता हूँ, और उसको बाद वो सूचित किए हमको, पानी का भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, जो उचित व्यवस्था होना चाहिए वो हमारे बच्चे लोग के पास नहीं है, और न इन लोग के ढंग से पढ़ाई होता है, और एक ऐसी जगह लाके रख दिया गया है जो कि दलित का, दलित समाज से मेरा बच्चा सब आता है, हम भी दलित है, संजय रविदास हमको नाम हुआ, लेकिन जो दलित है तो दलित को किस तरह से कहाँ रखना चाहिए, उसी जगह उसी तरह से रख करके इनको फिर से देहात से, तो हमारे बच्चे लोग ऐबे किए लेकिन उसी देहात में फिर से मनो इस तरह माहौल में रख दिए कि इनको शहर का किसी तरह का लाभ नहीं मिल सके और किसी तरह का और सुविधा इनको नहीं मिल सके। जो हमारे महामहिम मुख्यमंत्री जी हैं उनको हिसाब से व्यवस्था में वो बिहार के बच्चे को या हर जगह को मालिक है, लेकिन नहीं, दलित के बच्चा पर आज से नहीं, उस हर समय, अब हमारे चिराग साहब का ही देख लीजिए, हर समय उन्होंने हमारे चिराग साहब रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र हुए चिराग पासवान जी, उनको भी लोग प्रताड़ित करते हैं और जगह जगह पर उनको ब्रेकअप लगाते हैं। अंबेडकर हॉस्टल है उसको सर सैनिटाइजर के नाम पर बंद कर दिया गया, आदेश कर दिया गया कि बंद कर दीजिए, अभी हम इसमें सैनिटाइजर करेंगे। महाशय आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जिस समय हॉस्टल खोला जा रहा था उस समय क्यों नहीं पहले सैनिटाइजर किया गया, और बाद में लोग बच्चे को हमारे देहात से गरीब वर्ग से सब लोग आते हैं उसको फिर बाद में इधर 3 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है सभी बच्चे को। और मुद्दा को हम ले करके विधानसभा में जाएंगे और चिराग भैया इस पर आ करके, और चिराग भैया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दलित हॉस्टल में आ करके एक बार हमारे बच्चे को हौसला बढ़ाएं।